अगली खबर सतना से है, जहां अमरपाटन कस्बे में एक महिला और उसके फौजी भाई को सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटने का एक मामला सामने आया है। पुलिस के सामने ही महिला का पति उसे सड़क पर खदेड़ता और पटक पटक कर पीटता रहा। बाद में महिला और उसके भाई के समर्थन में वहां मौजूद रहे आम लोग भी आ गए और सबने मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस की मौजूदगी में हुई महिला की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर के समीप पीथमपुर की रहने वाली महिला और उसका फौजी भाई अमरपाटन थाना आए थे, जहां महिला के पति ने सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर अपनी पत्नी को मारा पीटा। महिला अपने पति की पिटाई से बचने के लिए भागी तो पति ने उसे खदेड़कर सड़क पर गिरा दिया और फिर उसके साथ मारपीट करने लगा। सरेराज जिस वक्त महिला के साथ मारपीट की जा रही थी, न केवल आम लोग वहां मौजूद थे बल्कि अमरपाटन थाना के पुलिसकर्मी भी तमाशबीन बने हुए थे। महिला और उसका फौजी भाई चीख पुकार रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने भी पति को पकड़ने और महिला को बचाने की जहमत नहीं उठाई। पुलिसकर्मियों का रवैया देखकर भड़की महिला और उसके भाई ने आम लोगों से मदद मांगी। लोग उसके समर्थन में आगे भी आए और फिर सबने मिलकर अमरपाटन कस्बे में सड़क जाम कर दिया। दरअसल पीथमपुर इंदौर की रहने वाली महिला की शादी अमरपाटन के गोरा गांव में हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी है। महिला ने बताया कि उसका पति उसे टॉर्चर करता है, अपने साथ नहीं रखता, लेकिन बेटी को अपने साथ ले आया। वह बेटी को अपने साथ रखना चाहती है, जिसके लिए वह अपने भाई के साथ शनिवार को गोरा आई थी, जहां उसके ससुर और पति ने भाई बहन के साथ अभद्रता की और कहा कि पुलिस लेकर आओ। जब पुलिस लेकर गई तो वह नोटिस की बात करने लगा। हालांकि बाद में आपसी रजामंदी से पुलिस को सामने बेटी को देने को तैयार हो गया। सोमवार को अमरपाटन थाना में महिला अपनी बेटी के साथ थी। इसी बीच उसका पति वहां पहुंचा और चॉकलेट खिलाने के बहाने 5 मिनट के लिए बेटी को साथ ले जाने की बात कही। पुलिसकर्मियों ने भी इस पर सहमति दे दी, लेकिन पति बेटी को लेकर गया तो लौटा ही नहीं। महिला ने बताया कि जब उसने पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना ढंग से जवाब देते हुए कहा कि उसकी बेटी थी इसलिए वह ले गया, कोई क्या कर सकता है। पीड़ित महिला इसी बात पर विफल पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच धर्मेंद्र ने पुलिस वालों के सामने ही अमृता को पीटना शुरू किया। पुलिस के सामने सड़क पर महिला के साथ हुई मारपीट के इस मामले में अमरपाटन थाना प्रभारी का कहना है कि महिला और उसका भाई थाने के सामने पुलिस वालों के लिए अपशब्द बोल रहे थे। महिला झगड़ा कर रही थी, उसने अपने पति से विवाद भी किया है। लड़की को मारा देखो अभी आप लोगों के सामने। Thank you.